तो ये रहे भाई फ्रेश बिल्कुल यहाँ से। नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। एंड मैं अभी गांव में ही हूँ एंड इनके घर में हूँ, तो इन्होंने भाई हमें खाना बनाने की भी इजाज़त दे दिया है। और यहाँ पे भाई मेरे को एक ही चीज़ आती है यहाँ पे बनानी, पास्ता ये सब्जियाँ वगैरह हैं, और आंटी ने कॉफ़ी भी बनाई है मेरे लिए। तो ये सीन चल रहा है फिलहाल। ओके आफ्टर 2 मिनट्स तो आंटी ने भाई कॉफ़ी बनाई है और इधर पास्ता वगैरह बन रहा है और सब्जियाँ मिल गया भाई, तो वेजिटेरियन होने में कोई दिक्कत नहीं आई, अभी हम आराम से बना के खाएंगे। तो ये सीन है फिलहाल भाई, ये सेकंड वीडियो होगी, सेम वीडियो का सेकंड पार्ट होगा या कुछ भी, बट स्वागत है आप लोगों का यार नवी वीडियो में दोबारा से। तो यार सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि ये जितनी भी सब्जियाँ आपको दिखनी है ये घर में उगा रखी हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई केमिकल कुछ नहीं डाला। एंड घर से ये भाई मिर्च मिली, अल्बेनियन मिर्च है ये वाली तिक्खी है, मैंने पहले भी खाई थी तो बहुत बढ़िया। और ये जलेपीनो है, ये तिक्खी नहीं है बट ये सारी भाई फ्रेश बिल्कुल। इवन प्याज भी लोग यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने बाहर, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो अभी ये सीन भाई है, खाना चल रहा है यहाँ पे, लोकल अल्बेनियन गांव में हमारा डिनर होएगा। तो यार अभी मैं तड़का मार रही हूँ यहाँ पे, जनाब एंड ये सीन है। तो थोड़ा बन जाए पास्ता, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। आपने मुझे बहुत वीडियो में पास्ता बनाते हो देखा है, कोई नवी बात नहीं है। तो अभी खाना बन रहा है भाई, जो भी बोलो आप लोग, टमाटर बहुत गजब है, क्या जूस सॉस निकला है भाई टमाटर में से, एक नंबर है। तो मैंने बना दिया था एंड यहाँ पे प्रशांत तरबूजा खा रहा है और आंटी भाई पास्ता डाल रहे हैं। तो ये रात का खाना चल रहा है भाई हमारा। शी इज बीइंग कॉल्ड वर्ल्ड मामा। ఇప్పుడే అమ్మ చూసారా పుచ్చకాయ కట్ చేశారండి, అట్లాగే పాస్తా కూడా రెడీ చేశారు కదా మన గరీమ, సర్వ్ చేస్తున్నారు అమ్మ అట్లాగే। ये बनाया था मैंने, ये मामा ने बनाया था, दादी मम्मा है जो, उन्होंने अचार बना रखा है मिर्च का एंड ये फ्रेश मिर्च है गार्डन से। तो ये खाना है एंड टेबल के सीनियर कुछ ऐसे हैं फिलहाल, सब कोई खा रहे हैं। तो मैंने इन जनाब से पूछा आपको मिर्च लगी नहीं, वो कहते हैं ठीक है मेरे से खाया जा रहा है। बटर तो भाई सबको बोन अपेटी एंड अभी खाना खाते हैं। एंड ओ मामा ने चीज लाए हैं, वाह, तो मैं यार चीज खाऊंगी जरूर। थोड़ी देर तक बात करते हैं, अभी वीडियो नहीं बना रही मैं यार। मैंने सोचा था भाई वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने आंटी को सिर्फ ये बोला था कि ब्रेड है कि नहीं है, और आंटी ने गरम गरम बनाया है ये ब्रेड स्पेशली, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो पास्ता के साथ भाई हमें ब्रेड भी मिला है, बस एक ही बार ही बोला ब्रेड है और बन गया यार गजब। तो अल्बेनिया में भाई ये ज़िंदगी चल रही है फिलहाल एंड ये बच्चा पार्टी भी यहाँ पे मज़े से बैठ के खा रहे हैं। तो ये सीन है यहाँ के। तो यार अभी सुबह का टाइम हुआ है और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ एंड मेरे पास है तुर्किश कॉफ़ी, आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे अल्बेनिया में आपको हर ट्रेडिशनल घर में जहाँ पे कल्चर है अभी तक, वहाँ पे आपको ये तुर्किश कॉफ़ी मिल जाएगी। ऐसी एस्प्रेसो शायद ना मिले, लेकिन ये वाली ज़रूर मिलेगी। तो और यह मुझे बहुत पसंद है इस तरह की कॉफ़ी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई सुबह का टाइम हो गया एंड ये मैंने अभी कॉफ़ी बनाई थी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये रही मैं पी रही हूँ फिलहाल। क्या बोलूँ अब मैं यार, काउंटिंग भूल गई हूँ, तंजानिया, केन्या, युगांडा, हर जगह, रशिया, अल्बेनिया में सब जगह यार लोग अपने आप बुला लेते हैं। अगर रोड पर चल रहे हो, मदद चाहिए, उन्हें मैं बोल देती हूँ कि भाई आपके गाँव में रहना है, आपके पास घर है, रह सकती हूँ, वो कहते हैं आ जाओ। तो मैंने यार काउच सर्फिंग यूज़ करी है एक दो बारी, लेकिन मुझे वो ऐप नहीं पसंद। मैं लोगों के साथ उनके घरों में ऐसे ही रहती हूँ, चलते हुए कहीं भी निकल जाओ, रह लिया। तो जितनों ने भी मुझे आज तक होस्ट करा है, जितनों ने भी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं गिनने बैठूँगी 1, 2, 3 लोग, 4 लोग तो यार वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे मुझे होस्ट करा है। तो इनमें से मामा एक थे,
तो और यहाँ पे जो आंटी मिले जिन्होंने मदद करी रास्ते में, वो काम कर रहे थे, मैंने बोला आंटी रुको रुको एक मदद चाहिए बैग रखने हमें, वो कहते चलो आ जाओ रख दो बैग अपने घर में, हमारे घर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, एंड आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आती हों इस टाइप की जो मैं बनाती हूँ, जो भी है। अगर नहीं आती तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, बट मुझे ऐसे ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, इनके साथ रही मैं, सोई, खाना खाया साथ में, खाना मैंने बनाया साथ में, गांव घूमा साथ में, दूध रात को शाम को निकालते हुए आंटी निकाल जो आज गरीब में देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो अल्बेनिया में तो बहुत मज़ा आया। अभी मैं कॉफ़ी पी के देखती हूँ क्या सीन बनेगा। तो यार ये अभी इधर बारिश हो रही है, पूरी रात भी बारिश हो रही थी, एंड अभी कॉफ़ी पीने के बाद के नज़ारे हैं ये। तो ये भाई मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा है, आपको दिख रहा होगा ये सामने बैठा हुआ है, और ये लोग भाई सो रहे हैं फिलहाल। इनका भाई ये इस जगह सोए थे रात को, मैं उधर उस तरफ सोई थी। yes. तो बैग हमारे इधर ये पड़े हुए हैं, तो ये फिलहाल सीन है। एंड रात को पता क्या हुआ मेरे साथ, ये जनाब ना मेरे लैपटॉप पे कार्टून देख रहे थे रात को, एंड ये सो गए। उसके बाद ना दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था और बंद हो रहा था, तो ये भाई डर के मेरे को कहता है ऐसे बुला के, मतलब भूत आ गया। मेरे का भाई बैठ जा, भूत नहीं आया। फिर मैंने बंद करा क्योंकि ना तूफान चल रहा था रात को, सच में डर गया, कहता कि भूत आ गया। उसको लगा कि भूत आ गया, नहीं मैं साथ ही बैठी थी उसके। अच्छा अच्छा, मैं साथ बैठी थी तो मेरे को बुला के कहता यार दरवाजा बंद कर क्या। तो ये सीन हुआ रात को क्योंकि आंधी बहुत आ रखी थी यहाँ पे, तो दरवाजा अपने आप बारी खुल रही थी, बंद हो रही थी। बट अभी तक बारिश चल रही है यार, ऑलमोस्ट 12-13 घंटे हो गया, थोड़ी देर बीच में रुकी फिर शुरू होगी। तो ये सीन है अभी। फिर ये जनाब बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये लोग एडिटिंग कर रहे हैं अपनी। उमा एडिटिंग फिनिश ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, एंड प्रशांत एडिटिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि लैपटॉप चार्जिंग खत्म हो गई है। That's what I'm giving you suggestions. Please, when you have money, buy the best phone. Yeah. No need laptop. You can save the time. You can edit videos in bus stand, bus travel journey, yeah. train, wherever you like. Mm. Just buy that. Toma, lend us some money. Oh, yeah. Sure. You only lend the money. What can I get? No, but actually, this is good. My laptop is very bad. If there is no light, it don't work. So phone Hindi. Is more easy. Yeah. अगर अच्छा लैपटॉप है तो 3-4 घंटा चार्जिंग के बिना चल जाएगा, प्लग के बिना। लेकिन मेरे लैपटॉप के चिथड़े उड़ रखे हैं तो उसको प्लग चाहिए ही चाहिए हर टाइम। बट कोई बात नहीं, चल रही है ज़िंदगी। लेकिन फ़ोन वैसे इजी रहता है, ये बात सच है। तो यार जनाब आज तो बारिश हो रही है, ओपा मेरे पूरा गीला कर गया, लेकिन कोई बात नहीं। एंड बारिश हो रही है तो अभी तो कहीं नहीं जा सकते, हम यहीं पे ही रुके हुए हैं क्योंकि शुक्र है यार भाई रहने की जगह मिल गई। अगर इस हालत में हम टेंट लगाते ना, खाना ना पीना ना पानी ना नहाना कुछ नहीं, ना कपड़े साफ हमारे पास। तो यहाँ से ही एंट्रेंस है, तो यार बहुत अच्छी जगह मिल गई। एंड अपने बच्चों की तरह रख रहे हैं ये लोग हमें। एंड आज फिर आप इस वीडियो में देखोगे कि हमारा एक अल्बेनिया के गांव में दिन कैसे गया जहाँ पे बारिश हो रही है और हम बिल्कुल कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉफ़ी वगैरह बनाने दोबारा से जा रही हूँ, खाना वगैरह ब्रेड वगैरह खाएंगे। तो ये टाइम निकल रहा है हमारा ऐसे 2-3 देर। जैसा मैंने बोला कि आज बारिश हो रही है, हम लोग कहीं नहीं जा सकते। शुक्र है हमें आशियाना मिल रखा है, सोने की जगह, खाने को भी मिल रखा है। तो यहाँ पे खाना चल रहा है, अंगूर ब्रेड कॉफ़ी जूस पास्ता सब दे रखा है, चीज़ भी है चाहिए तो, लेकिन हम लोग नहीं खा रहे। और ये बच्चा बाटी भाई मेरे दोस्त बन रखे हैं जैसे मैंने बताया, तो सबको साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। इधर प्रशांत है और उमा वीडियो बना रहे हैं। तो उमा यू कैन टर्न अप द कैमरा एंड शो योर फेस। And, yes, अगर जब भी हमारा मन करे खाने के लिए तो ये रहे भाई फ्रेश बिल्कुल। यहाँ से उस तरफ हरे वाले हैं और इस तरफ ये रेड पर्पल ब्लैक वाले हैं, गजब एक नंबर। अभी अभी धूप आई है, सूरज देवता का हम स्वागत करते हैं, और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं मेरे। तो ये सीन है फिलहाल जनाब, और मैं धूप थोड़ी ले रही हूँ, मुझे धूप बहुत पसंद है।
और थोड़ी देर बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे आगे का। मैं धूप का ही वेट कर रही थी कि धूप आ जाए, क्योंकि शायद मैं हॉस्टल में रुकूं आज, मेरी एक दोस्त है तो कुछ जुगाड़ हो सकता है, या मैं कैंपिंग करूं, तो रहने का कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं मौसम के ठीक होने का वेट कर रही थी, जो हो गया तो सफ़र शुरू होएगा। मिर्चियाँ लगी हुई हैं इनके घरों में, ये भी रही बहुत सारी हैं, और आंटी ने मुझे और दे दी हैं, कुछ मैंने पहले भी ले ली थी, तो जाने से पहले मैं मिर्ची ले रही हूँ क्योंकि कहीं पर मिलती नहीं है आसानी से, तो खाने में डल जाएंगी। एंड अभी फिर अलविदा बोलते हैं, एक मिनट में वीडियो बनाती हूँ मैं। तो यार जाने का टाइम आ गया एंड अभी एकदम से प्लान चेंज हो गया, तो मेरे को लगा लड़की, थैंक यू, फिल्म इंडस्ट्री। और ये रही भाई जो मेरी दोस्त बनी थी, तो मामा से बाय, ओके सही है, गो या ओके, यस देयर देयर यस ओके पास चाओ चाओ। तो यार चल रहे हैं, निकल रहे हैं भाई। तो यार सबसे पहले तो मामा सो रहे थे, तो मैंने उठाना उन्हें सही नहीं समझा, पहले मैंने बाय उन्हें बोल दिया था कि मैंने बता दिया था मैं शकोदर जा रही हूँ, एंड तभी मैंने बाय बोल दी थी, अभी मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उठाऊँ उन्हें, वो सो रहे थे। और फिर भाई बात ऐसी है कि अपने का वीज़ा बचा है मोंटीनिग्रो का सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का, ठीक है, तो समहाउ आई हैव टू गो टू मोंटीनिग्रो एंड देन क्रॉस टू सर्बिया, और हिचहाइकिंग करने का प्लान है, अगर नहीं मिली तो यार बस लेनी पड़ेगी क्योंकि लिफ्ट कोई देता नहीं है वहाँ पे, बट एनीवे सिर्फ 2 दिन है, और यहाँ पर बरसात का मौसम बन रखा है आपके सामने। मैं सुबह से वेट कर रही थी थोड़ा सा मौसम खुले तो मैं निकलूँ यहाँ से, तो निकले। अब भाई प्रशांत और उमा को बाय नहीं बोल पाई मैं यहाँ पे, क्योंकि वो बोल के गए गरीब हम 10 मिनट में आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं कहीं पे गांव की तरफ, तो आधा घंटा हो गया है, बट ऑफकोर्स अगर आप घूमने निकल रहे हो तो भाई पता नहीं चलता, बट मैं यहाँ पे हिचहाइकिंग करने वाली हूँ, तो अगर तब तक वो लोग आ गए तो ज़रूर बाय बोलूँगी उन्हें ऑफकोर्स मैं। और तीसरी चीज़ ये हुई कि शकोदर से मेरी एक दोस्त मैसेज कर रही है अर्जेंटीना वाली, आप उससे कुछ वीडियोस में मिले हुए हो, कि भाई गरिमा मिलने आ जा, तो इतने सारे सीन हो गए तो अपने को जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है, बाकी उस रोड तक जाके अपना सफ़र शुरू करते हैं हम। यार आप कुत्तों की आवाज़ सुन रहे हो जनाब, तो कुत्ते भाव भाव बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड भाई हर घर ने अपने कुत्ता रखा हुआ अपने घरों की रखवाली करने के लिए, तो आप किसी भी घर के पास जाओगे तो वो वहाँ पे भाव भाव करना शुरू कर देंगे। एंड मैं अभी टर्निंग ढूंढ रही हूँ, यार हम ज़्यादा दूर तो नहीं आ गए, एक टर्न है यहाँ पे जहाँ पे जाना है हमें, तो शायद आगे वाला है।